एक साथ ईशा और समर्थ बैठे हुए दिखाई दिए हैं। अभी जैसे कि इन लोगों का ना ये वाला सीन ना बहुत दिनों से खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, और अभी भी खींच के रख दिया, कल के एपिसोड पे डाल दिया है कि ईशा और समर्थ का क्या होगा और इनके बीच में क्या सब बातें हुई हैं। भाई मुझे लगता था कि ये लोग जो है लाइव फीट मंडे ही स्टार्ट करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने लाइव फीड स्टार्ट कर दिया। लाइव फीड में मैं थोड़ा बहुत झलक जो है देखने के लिए मिला, तो उसके ऊपर मैं तो गॉसिप तो करूंगी भाई, मैं तो गॉसिप की रानी बन चुकी हूँ। और जिस तरीके से मतलब कि मैंने बोला था और प्रोमो में भी देखा है ना आपने कि ईशा ने बोला कि बहुत जल्दी हो गया, आई एम सॉरी बिग बॉस, ऐसा हो गया, और जितना झूठ बोलोगे उतनी धंसती हुई जाओगी, इस तरीके से मुनावर ने भी बोला है। और मैंने आप लोगों को बोला ना कि एक गेम जो है, एक गेम खेलेंगे अभी बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस ने जो है गुगली फेंक दी, अभी देखते हैं कि कौन कैच करता है। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभिषेक के साथ या और भी ज्यादा हल्ला होगा, पर समर्थ के साथ ही जो है बैठी थी ईशा, और ईशा और समर्थ में जो है सब चीजें सेटल हो चुकी हैं। या तो भाई समर्थ तो मानेगा नहीं कि मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूं, या तो ऐसा हुआ है कि ईशा ने मान लिया है कि भाई हाँ मैं झूठी हूँ और मैंने झूठ बोला था, और तू जो है यहाँ पर आया मेरा बॉयफ्रेंड है, चल मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ये चीज हुई है क्योंकि इन दोनों को साथ में बैठे हुए देखा है, देखा गया है ना। ईशा का रिश्ता अभिषेक के साथ क्लियर हुआ है और ना ही समर्थ के साथ क्लियर है, और जब तक हम ये एपिसोड देख नहीं लेते तब तक ये क्लियर होगा भी नहीं। पर अगर इस वे में देखें तो भाई ईशा जो है वो समर्थ के साथ बैठी है, तो ऐसा लग रहा है कि उसने समर्थ को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आप लोगों को बोला था ना, अगर इस जगह पे मैं होती तो मैं नहीं करती समर्थ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती कि तू मेरी यहाँ पर गेम की बैंड बजाने के लिए आया है, तू एक्चुअली में तू तो फ्यूचर में मेरा अगर पार्टनर, तू पार्टनर रहता ना फ्यूचर में, पता नहीं तू अपने फायदे के लिए मेरा क्या क्या फायदा उठा ले, तो तू भाड़ में जा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।